2022 कमाल का साल रहा है एनिमेस के लिए। लिटरली बहुत सारे बॉल एनिमेस देखने को मिले हमें इस साल, जैसे चैनसॉ मैन, ब्लू लॉक, समर टाइम रेंडरिंग, स्पाइक्स फैमिली, माय ड्रेस अप डार्लिंग एंड और भी बहुत सारे। बट 2023 इससे ज्यादा तबाही मचाने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े और फेमस एनिमेस रिटर्न कर रहे हैं इस ईयर और कुछ नए शोज आ रहे हैं जो कि लिटरली बहुत ज्यादा ऑसम होने वाले हैं। फैंस की होप्स बहुत ज्यादा हाई हैं और आज हम उन्हीं एनिमेस की बात करेंगे जो कि इस साल इंटरनेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अपने कुर्सी की पेड़ी पाद लो और तैयार हो जाओ एनिमे की दुनिया में डुबकी लगाने को। 2023 में कुछ कमाल के ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एनिमे रिटर्न कर रहे हैं और सिर्फ एक दो नहीं बहुत सारे एनिमेस के न्यू सीजन्स आ रहे हैं, जिसमें से सबसे ऊपर है जुजुत्सु काइसन सीजन 2। इसका सीजन 1 आया था 2020 में और ये 2021 में इसकी मूवी भी आई थी एंड ये सीरीज ने 2020 को पूरी तरीके से डोमिनेट किया था। पूरे साल कोई भी इसके टक्कर में नहीं था, लाइक बात करें कैरेक्टर्स की, एनिमेशन की, पावर टीजिंग की या फिर प्लॉट की या स्टोरी की, सबके सब एक्सपेक्ट में इस सीरीज ने सरप्राइज कर दिया था। जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 आ रहा है जुलाई में इसी साल, दैट्स व्हाई होप्स बहुत ज्यादा हाई हैं इस शो को लेकर। एक और सीरीज है जिसको लेकर होप्स बहुत हाई हैं एंड उसका नाम है विनलैंड सागा। यह एक कमाल की सीरीज है जिसका पहला सीजन 2019 में आया था, जिसको ऑलरेडी 3 से 4 साल हो गए हैं एंड ये 2019 की वन ऑफ द बेस्ट एनिमे सीरीज है। यकीन नहीं होता तो मैं आपको बता दूंगी इसकी IMDb रेटिंग 8.8 है, जो कि बहुत बड़ी बात है। विनलैंड सागा इसी मंथ यानी 9 जनवरी को नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल पर प्रीमियर होना चालू हो जाएगी। डेफिनेटली इसको लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें डीमन स्लेयर की तो ये सीरीज भी वापसी कर रही है इसी साल अपने सीजन 3 के साथ, जिसमें हमें दो दो हाजिराज एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। इस सीरीज का एनिमेशन और एक्शन एकदम टॉप नॉच का रहता है और सीजन 3 से भी हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। डीमन स्लेयर का सीजन 3 हमें अप्रैल में देखने को मिलेगा, सो एक कमाल की न्यूज़ है। एक और एनिमे सीरीज है जो कि इसी महीने रिटर्न कर रही है एंड उसका नाम है टोक्यो रेवेंजर्स। टोक्यो रेवेंजर्स का सीजन 1 काफी हिट रहा था, ऑल दो लोगों ने इसके मेन प्रोटैगनिस्ट को उतना कुछ खास पसंद नहीं किया और इसके क्रिएटर्स ने टाइम ट्रेवल का भी कंसेप्ट थोड़ा सा अजीब बना दिया था, बट इसके बावजूद भी इस सीरीज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ताकेमिची का कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा अच्छा होगा इस सीजन। टोक्यो रेवेंजर्स का सीजन 2 प्रीमियर होने वाला है 8 जनवरी से इसी मंथ के, सो होप्स बहुत ज्यादा हाई है एंड पीपल आर एक्साइटेड फॉर दैट। नेक्स्ट सीरीज की बात करें तो हमें इसी साल अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 का फाइनल पार्ट देखने को मिलने वाला है। डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमे का एंड होने वाला है इस ईयर एंड एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, खास करके AOT फैंस के बीच। एग्जैक्ट डेट रिवील नहीं किया है स्टूडियो ने, बट इसी साल देखने को मिलेगा ये कन्फर्म है। अगर मांगा से कंपेयर करें तो इसके 10 एपिसोड्स ही हमें देखने को मिलेंगे, उतने में ही इसका एंड हो जाएगा। सो लेट्स सी कि इरेन की जर्नी किस तरह से एंड होती है। अगर हम बात करें एक और एनिमे सीरीज की तो ब्लीच 1000 Year Blood War का पार्ट 2 हमें देखने को मिलने वाला है। पार्ट 1 में एनिमेशन जो देखने को मिला था बहुत ज्यादा जबरदस्त था, इसी वजह से पार्ट 2 से भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा आई हैं। इसका पार्ट 2 हमें जुलाई में देखने को मिलने वाला है एंड इस बार फोकस उरियू और इचिगो पे होने वाला है। लेट्स सी क्या हाल होता है पार्ट 2 का। डॉक्टर स्टोन का सीजन 3 हमें देखने को मिलने वाला है और इसका जो एडवेंचर होगा वो बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। इसका भी एग्जैक्ट डेट अभी रिवील नहीं हुआ है, बट यह सीरीज इसी साल हमें स्प्रिंग में देखने को मिल सकती है। कोर्ट यानी क्लासरूम ऑफ द इलाइट भी हमें इसी साल जुलाई में अपने सीजन 3 के साथ कम बैक करते हुए देखने को मिलने वाला है। इसका न्यू सीजन सबसे बेस्ट होने वाला है अब तक के सारे सीजन में। इस बार हमें आयन कोजी के लव और उसके पास्ट के बारे में भी देखने को मिलेगा, सो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। अगर हम बात करें मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी और मिस नागाटोरो को, तो इन दोनों का सीजन 2 हमें देखने को मिलने वाला है इसी महीने के सेकेंड वीक में, लगभग 10 जनवरी के अप्रॉक्स इन दोनों सीरीज का प्रीमियर चालू हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की न्यूज है। एक और एनिमे सीरीज है जिसका सीजन 2 हमें देखने को मिलने वाला है इसी साल और उसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली। यह सीरीज 2022 की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे सीरीज है एंड फैंस लिटरली दीवाने हैं इस सीरीज के। इस सीरीज का भी एग्जैक्ट डेट रिवील नहीं हुआ है, बट ये इसी साल आ रही है, ये एकदम कन्फर्म न्यूज है।
Now let's talk about original 2023 anime, यानी ऐसी सीरीज जो कि completely new होगी और इसी साल यानी 2023 में रिलीज होने वाली है। इसमें जो नाम सबसे ऊपर आता है वो है Solo Leveling। हाँ, believe me or not, ये anime सीरीज बवाल मचाने वाली है। इसकी मानवा बहुत ज्यादा fantastic है। जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें ऑलरेडी पता है इसके पोटेंशियल के बारे में। हाँ, इसका सीजन 1 उतना ज्यादा कमाल का नहीं होने वाला है अगर हम कंपेयर करें इसके आगे आने वाले सीजन से। लाइक इसके सीजन 3 से इस सीरीज का असली बवाल चालू हुआ, लेकिन इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सीजन 1 खराब जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है। यह एनिमे बहुत ज्यादा स्टनिंग है, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, एंड लेट्स सी क्रिएटर्स क्या बवाल माल डिलीवर करते हैं। एक और एनिमे सीरीज है जो कि नारुतो से रिलेटेड है और वो इसी साल और वो भी इसी मंथ आने वाली है, एंड उसका नाम है सासुके रेसुडेंट। इसका भी मांगा एडाप्टेशन आ रहा है और वो भी इसी महीने। इसके बाद हमें बोरुटो के कुछ कैनन्स आर्क देखने को मिलने वाले हैं, एंड आई होप कि इसमें क्रिएटर्स कुछ सरप्राइजिंग करें। एंड नारुतो के अलावा अगर हम बात करें कुछ और नए एनिमे सीरीज की, तो 2-3 कमाल की एनिमे सीरीज आ रही है, जिनमें सबसे ऊपर है स्पाइक क्लासरूम। यह एक मांगा एडाप्टेशन होने वाली है जो कि इसी मंथ यानी जनवरी में आने वाली है। यह सीरीज एक लाइट नॉवल पर बेस्ड है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और एक और शो है जो कि सेकंड नंबर पर आता है और उसका नाम है ट्राइगम स्टाम्प डे। यह एक न्यू एनिमे सीरीज होने वाली है जो कि 90s में बहुत ज्यादा फेमस थी, एंड इस सीरीज का एनिमेशन थोड़ा यूनिक और एक्शन कमाल का होने वाला है। ट्राइगम स्टाम्प डे इसी महीने यानी 7 जनवरी को डेब्यू करने वाली है। एंड जनवरी के महीने में ही एक और एनिमे सीरीज आ रही है जो कि बेस्ड है एक वीडियो गेम पर। इसका नाम है नियर ऑटोमाटा। यह गेम बहुत ज्यादा फेमस है, एंड जो इसके फैंस हैं उन्हें इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। यह शो भी आने वाला है 7 जनवरी से क्रंचीरोल पे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस साल जनवरी में बहुत सारे शोज आ रहे हैं, सो एनिमेस की बाढ़ आने वाली है, एंड लिटरली बहुत ज्यादा बवाल मचने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे शोज है जो कि रिटर्न कर रहे हैं इस साल, सभी को एक ही वीडियो में बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर मैं एक बार सबके नाम बता देता हूं। एक ब्लू लॉक के सीजन 1 का पार्ट 2 देखने को मिलने वाला है, इनविंसिबल का सीजन 2 देखने को मिलने वाला है, हेल्स पैराडाइज, मुकोसो टेंसाई, माय हीरो एकेडमी के सीजन 6 का पार्ट 2 देखने को मिलने वाला है, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक, बंगो स्टे डॉग, टेंसुरा, एंड और भी बहुत सारे शोज देखने को मिलने वाले हैं। एंड दैट्स 2023 एनिमे के लिए बहुत ही कमाल का साल होने वाला है। मैं पर्सनली है क्योंकि मूवीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड रूमर्स हैं कि वन पंच मैन का सीजन 3 आने वाला है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और भी सजेशन चाहिए तो आप ये सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इन सभी वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आई होप कि आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।